कभी कोई सिचुएशन होती है तो हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, हमें उस मोमेंट पे नहीं पता होता कि हमें क्या बात करनी है. लेकिन सडनली 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद हमें रियलाइज होता है यार हमने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था. और वो चीज काफी हावी हो चुकी होती है हमारे ऊपर भी और सामने वाले के ऊपर, और सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल हो चुकी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है. इन द सेंस हम ऐसी बहुत सारी बातें बोल जाते हैं गुस्से में, यस, जो हमें नहीं बोलनी चाहिए. सो टॉपिक इज एंगर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस. कि अपने गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें, मोमेंट पे कंट्रोल करना, या तो उस मोमेंट पे कंट्रोल करना या फिर बेटर स्टिल कि वो मोमेंट ही ना आए. Yes. बेटर क्या है? मतलब देयर कुड बी टू डिफरेंट टॉपिक्स. एक है कि उस मोमेंट में हम कैसे कंट्रोल करें, एक हो सकता है कि वो मोमेंट ही ना है, यानी आपको गुस्सा आना ही बहुत कम हो जाए. यस. गुस्सा क्यों आता है हमको? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं हमारे जिसको हमने पकड़ रखा है कि मुझे ये सही लगता है. जैसे ही कोई उससे अलग कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है. जिस चीज से आप चिपके पड़े हो वो चीज आपसे कुछ छीनने की बात करता है तो गुस्सा आता है. तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर लालच होता है किसी भी चीज को लेकर के, वो चीज के बीच में कोई भी रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है. यानी जिस कंपनी में आप काम करते हो अगर वो जो बॉस है आपका, अब इसको रिलेट करना अगर मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अगर वो बॉस बहुत ही ज्यादा लालची है तो उसका 10 रुपए का भी नुकसान होगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पता नहीं सब कुछ उसका लुट गया है. जिसके अंदर इतना लालच नहीं होगा उसका 10,000 भी लुट जाएगा तो आराम से सिचुएशन को देखेगा. गलती तो हुई है, गलती तो मेरे से भी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं. कोई इंसान है जिसके लिए आपने एक्चुअल में बहुत कुछ किया है और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे तो गुस्सा आता है. बहुत ज्यादा आता है कि हमने उसके लिए इतना किया और वो देखो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसको समझ क्यों नहीं आता, दिमाग है उसमें नहीं. देख लो जी, आपके माइंड के अंदर झांक करके हम देख सकते हैं गुस्से का जो कॉज है वो कॉज क्या है. अगर हम समझ पा रहे हैं तो अपने अंदर कुछ भी पकड़ लेना स्ट्रांगली. जिसने कुछ पकड़ा ही नहीं उसको गुस्सा कैसे आएगा, लगाओ दिमाग. अगर मैंने अपनी जो इमेज है उसको बहुत सीरियसली पकड़ लिया है, अरे आई एम दी संदीप महेश्वरी ये हो, समझे, तो क्या होगा, जैसे ही आप में से कोई भी कुछ भी उल्टा बोलेगा मेरे बारे में तो क्या होगा, मेरी उस इमेज पे कोई भी हिट करेगा तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा. लेकिन अगर उस इमेज को देख करके मुझे हंसी आती है तो चाहे आप मजाक उड़ाओ चाहे मैं मजाक उड़ाऊं इस बंदे का जिसको संदीप महेश्वरी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता. जितना स्ट्रांगली पकड़ोगे मुझे ये पसंद है, जितना स्ट्रांगली, स्ट्रांग लाइक्स एंड स्ट्रांग डिसलाइक्स, क्या यही जड़ नहीं है गुस्से की? इसकी वजह से स्ट्रांग इमोशंस जनरेट होते हैं, स्ट्रांग रिएक्शंस होते हैं, और वो जो स्ट्रांग रिएक्शंस होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि भैया तो रायता फैल गया, मतलब इतनी सी तो बात थी, उसमें इन सब बातों को बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा इश्यू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी. तो ऐसा कैसे हो, आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर सामने वाला बंदा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो रिएक्ट कर भी दे किसी वजह से, तब भी आप हंसी मजाक में उस बात को उड़ा दो, ये हो जाए तो कमाल हो जाए. यानी उस टाइम पे जो सही एक्शन लेना चाहिए वो आप कूली कामली ले सको, फिर चाहे लड़ना भी है तो आप कूली कामली उससे लड़ सको. एक है विद कंट्रोल आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, एक है आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है फिर लड़ रहे हो, कुछ फर्क है दोनों में? नहीं है. एक है नौसिखिया जो लड़ता है, वो क्या है, गुस्सा, मैं तेरे को मार दूंगा, जो प्रोफेशनल होगा ना वहां पे वो आराम से बैठ करके हंस रहा होगा, तो आ मारने के लिए एक मारेगा उसका उठेगा ही नहीं वो, मतलब सामने वाले को लग रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है. लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे गुस्सा करना जरूरी है. yes, कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉप करनी ही पड़ती है ना, कहीं तो सामने वाले को रोकना पड़ेगा. अगर सामने वाला बंदा या बंदी कोई भी अपने पुराने किसी एक्स को लेकर के घर में आ गया है तो वहां तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद में हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का तो वहां पे उसको रोकना पड़ेगा नहीं रोकना पड़ेगा? चाटा ही लगेगा. अब अगर आपने चाटा लगाया तो वो बात ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगी? यही होता है रिएक्ट करना, और एक है रिस्पॉन्ड करना, दोनों में बड़ा फर्क है. रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या हुआ, उस सिचुएशन में आपको अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है लेकिन बाहर से आप उसको बड़े स्ट्रांगली बोल रहे हो ये सब नहीं चलेगा. अब वो कहेगा नहीं नहीं बोल दिया ना, बात समझ लो अच्छे तरीके से, ना मतलब ना,
क्या होगा? अव्वल तो जब इतनी पावर्स के साथ आप बोलते हो, सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो आंखों में उसको समझ आ जाता है कि ये बंदा कभी गुस्सा नहीं करता है। जो रोज रोज गुस्सा करता है, 24 घंटे गुस्सा करता है, उसके गुस्से की क्या औकात है? अपने बच्चों पे नॉन स्टॉप गुस्सा करते रहो, बच्चे भी कहेंगे ऑब्वियसली। बट आप कभी गुस्सा नहीं करते और फिर आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, महीनों में कभी एक बार एकदम से, और वो भी एक्चुअल में गुस्सा ना आए, क्योंकि एक्चुअल में गुस्सा आएगा तो महीनों में या सालों में एक बार नहीं आता है, वो तो फिर रोज आता है, हर बात पे आता है। यानी खांसी का कॉज अंदर पड़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि खांसी ना आए? तो या तो खांसी आती रहेगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और फिर जब आप गुस्सा नहीं करते हो और सबको पता है कि यार ये नहीं करते, उस टाइम पे अगर आप गुस्सा करते हो तो उस गुस्से की वैल्यू है, उस गुस्से में दम है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं, इसकी जड़ क्या है? डिपेंडेंस। हम डिपेंड हो गए हैं। जिस भी चीज पे आप डिपेंड हो जाओगे, जिस भी थॉट पे, जिस भी आइडिया पे, फॉर एग्जांपल आप डिपेंड हो गए कि ये मेरा रिलीजन है, मैं इसी को मानता हूं, जैसे उस पर कोई हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, चाहे वो बकवास हो, उसमें कुछ भी ना हो, पर बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, दिमाग में भर दिया गया है, तो उसको आप पकड़ करके बैठे हुए हो। ऐसे हम किस पे डिपेंड हुए पड़े हैं? बहुत सारी चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिपेंड ना हो? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कौन हो, तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। मैं आई एम नॉट श्योर आप समझ पाओगे नहीं, डीप हो रहा है थोड़ा। कुछ आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। हम डिपेंड क्यों होते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी पर्सन पे, इन फालतू के कॉन्सेप्ट पे, आइडियाज पे हम क्यों डिपेंड हो जाते हैं? क्योंकि अंदर एक खालीपन है। अगर डिपेंड नहीं होगे तो खाली नहीं हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुना है, कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने किया हो, जेल गए हो आप लोग? आप गए हो? तिहाड़ जेल में ड्यूटी है। अच्छा, तिहाड़ जेल में आपकी ड्यूटी है। मेरे को बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कि जो कैदी वहां पर जेल में होते हैं वो जब आते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जब जा रहे होते हैं 10 साल बाद 20 साल बाद तो उनको सेल से भी प्यार हो जाता है जहां पर वो रहे हैं 10-20 साल। करेक्ट सर। आफ्टर 15 और 20 इयर्स जब वो वहां पे रेगुलर रहना स्टार्ट करते, क्योंकि सब कुछ है वहां पर, फिर वहां 15 इयर्स उनकी खत्म भी हो जाती है अगर उनकी जो पनिशमेंट है, तो उसके बाद में भी वो छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो चाहते कि अंदर ही वो सर्वाइव करें, अंदर ही रहे। इस बात की डेप्थ देख पाए कि चाहे कैद भी हो, चाहे आप बंधे पड़े हो, लेकिन उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसको भी छोड़ने में दुख होता है। हैबिट पड़ जाती है, अब वो एनवायरमेंट चाहे कैसा भी हो, हाँ, चाहे दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी हो यानी कि दिल्ली, आदत हो जाती है। अब आप पहाड़ों पे जाओगे तो 5-10 दिन बाद आपको अजीब लगने लग जाएगा कि कैसी हवा आ रही है, कुछ है ही नहीं, इसे खाना बिना उसके नमक मिर्च मसाले के अच्छा नहीं लगता ना, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कुछ कुछ है ही नहीं, वापस चलो। हाँ, वही मजा आता है जब तक वो धुएं की जो स्मेल है, आ सामने बस में से कुछ निकल रहा, ट्रक में से निकल रहा है काला, तेरी तो मजा आया। तो गुस्सा कब नहीं आएगा हमको? जब हमने स्ट्रांगली कुछ भी अंदर पकड़ा हुआ नहीं है। पकड़ते क्यों है? क्योंकि अंदर एक खालीपन है। अगर ना पकड़े तो हम है क्या? अगर आप अपने आप को डॉक्टर बोलते हो, आपके नाम के सामने डॉक्टर लिखा हुआ है, और जैसे ही कोई आपका नाम लेता है, आपको बोलता है अमित इधर आना, वो क्या बोल रहे हो? डॉक्टर अमित बोलो। व्हाट डू मीन बाय अमित? डॉक्टर अमित। जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है। तो अगर उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है मेडिकल फील्ड की, वो निकाल दें तो डॉक्टर कहां है? और अगर वो नहीं है तो वो क्या है? एक जॉब है आपके पास में जो पसंद नहीं है, लेकिन वो जॉब आपको एक सोशल सिक्योरिटी देती है। कोई आपसे पूछता है क्या करते हो? मैं यहां पे इस कंपनी में काम। अरे वाह क्या बात है, तो बड़ा अच्छा फील होता है, चाहे वो काम में अच्छा फील नहीं हो रहा है। यानी अगेन बात वहीं के वहीं आगे घूम फिर के, कि हम डिपेंड हो जाते हैं। किस पे डिपेंड हो रहे हैं हम? अपने ही कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे डिपेंड हो गए। इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना हो तो कुछ दिन के लिए जाकर के आराम से बैठ जाओ बिना कुछ करे। जब हम कहीं जाते भी हैं, जैसे कोई मेडिटेशन करने जाते हैं, तो वहां पे भी हमको कोई चाहिए जो हमको बताए कि ये करो, तो उसने कुछ दे दिया, उसको हमने पकड़ लिया और उस प्रैक्टिस को हम रिपीट कर रहे हैं।
तब हम बड़ा सेफ फील करते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज समथिंग एल्स. एक दिन तक, एक दिन का ब्रेक लेना तो बनता है ना. एक दिन ब्रेक लेकर के कुछ मत करो, क्या होगा? बोर हो जाएंगे, बुरी तरह से बोर हो जाएंगे. तब हमको समझ आएगा कि अंदर से हम कितना खाली महसूस कर रहे हैं. उसको भरने के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए होती है. दुनिया चाहिए, भर दे बस वो आकर के हमारे खालीपन को. फिर हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकती. बट अगर इस सच को हम देख ले, डिस्कवर योरसेल्फ, इस सच को हम देख ले, आप इस सच को देख लो कि आप एक्चुअल में क्या हो, तो हो सकता है वो जो सच है, मतलब जो आप एक्चुअल में हो, उस लेवल पे कोई कमी है ही नहीं, कोई खालीपन है ही नहीं. अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, चीजों से नहीं, इस दुनिया से नहीं. इस चीजों को निकाल दो, पूरी दुनिया को निकाल दो, दुनिया में लोग, सब कुछ हटा दो, तब भी आप भरे पड़े हो. यू आर फुल डीप विद इट. फुल मीन्स एब्सोल्यूट, मतलब आप में कुछ भी मिसिंग नहीं है. इसका एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, परफेक्ट. इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है सिवाय आपके, जो आप हो. समझ नहीं भी आ रहा तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, आपकी तारीफ ही हो रही है, मतलब ठीक है, क्या जाता है. इफ यू रियलाइज द फुलनेस विद इन, तो इस फुलनेस में चीजें और लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ लैक कहीं पर भी नहीं होगा. क्योंकि जो अधूरा है, उसमें से आपने कुछ निकाल लिया, तो क्या होगा उस अधूरे की हालत? उसको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा. जो लिमिटेड है, उस लिमिटेड में से भी किसी दूसरे लिमिटेड ने कुछ खींच लिया, तो इसकी क्या हालत होगी? रोएगा. तो इफ यू सी दिस ट्रूथ दैट यू आर फुल, यू आर कंप्लीट, यू आर इन्फिनिट, तो अब आप में से जो पूरा है, उसमें से कितना भी निकाल लो, वो पूरा ही है. उसमें से कुछ भी चला जाए, वो पूरा ही है. कितना भी आ जाए, वो भी पूरा है. अधूरा कुछ बचा ही नहीं.